तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। माय डियर फ्रेंड्स, द मंत्र दैट आई जस्ट रिसाइटेड is a very very important mantra to understand the actual meaning of spirituality. This mantra is derived from Brihadaranyaka Upanishad, one of the most important Upanishads and the largest one. Brihad means the bigger one. Aranyaka stands for forest. So, वेदों के कई सारे भाग हैं, जैसे संहिताएं हैं। संहिताएं जो हैं, उनमें वेदों के सारे मुख्य मंत्र निहित हैं। देखिए, मेरे सामने आपको सारे वेदों की संहिताएं नजर आ रही हैं। इसी तरह ब्राह्मण, जो उनका विवेचन है, और इसी तरह उपनिषद। उपनिषद जो हैं, वो बहुत सारे विषयों पर जो वेदों में दिए गए हैं उनके ऊपर की हुई ऋषियों द्वारा विवेचना, भाष्य, चर्चा, और इसमें ही हमें आध्यात्म का सही स्वरूप मिलता है। गीता उपनिषदों का ही सार है। गीता में बहुत सारे वेदांत के दृष्टांत हमें एज इट इज देखने मिल जाते हैं। बहुत सारे प्रिंसिपल्स एज इट इज गीता में है, और इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि रामायण, महाभारत, ये जो हमारे इतिहास है जिनमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स को लाइव आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है, जिनसे आप बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक कंक्लूजन पर आ सकते हैं, उसके बाद जो पहली चीज़ आपको ध्यान से पढ़नी चाहिए, एक्सप्लोर करनी चाहिए, वो है भगवद गीता। तो बृहदारण्यक उपनिषद जो है, अरण्यक मतलब बहुत सारे पार्ट्स वेदों के ऐसे हैं जो सिटीज में या विलेजेस में नहीं पढ़े जाते थे, जिनको अरण्य में मतलब वन में जाने के बाद ही पढ़ते थे, क्योंकि वो बहुत डीप मीनिंग वाले होते थे। देखिए, साइंटिफिकली हम अगर इसको देखें तो हमें चलना पड़ेगा हमारे ओरिजिन पर। जब हम इवॉल्व हो रहे थे एज ए ह्यूमन बीइंग, तो क्या हुआ, क्या हुआ होगा? पहले हंटर्स एज में हम लोग अपना खाना जुटाते थे, उनको खाते थे, अपनी सुरक्षा करते थे, अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ाते थे। पर धीरे धीरे मनुष्य को, क्योंकि उसके पास ये मस्तिष्क है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, सोचने की क्षमता है, इसलिए वो दूसरी स्पीशीज से अलग है, तो उसके मन में बहुत सारी बातें आने लगी होंगी।